हमारे पास है हैवल्स गीज़र जो कि इंस्टोनियो मॉडल है, 6 लीटर का ये। सारा हम लोग इसका डिटेल बताने वाले हैं, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका रिव्यू भी करेंगे और इसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे। 7 ईयर्स का वारंटी सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोग, टैंक का मिलता है। 4 ईयर्स का वारंटी आपको एलिमेंट का मिलता है, जो हीटिंग एलिमेंट रहता है, ठीक है। ये 6 लीटर का है, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। और देखिए अब इसका लुक और डिज़ाइन किस टाइप से है। तो भाई बॉक्स तो हमारा इजिली ओपन हो चुका है, चलिए इसका मैं आप लोगों को लुक भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, ठीक है। इसका सारा डिटेल, सबसे पहले ब्लू का जो आप देख रहे हैं, ब्लू का ये सिंबल, ये हमारा इनपुट मैप है। यहाँ से पानी हमारा इन करेगा और रेड वाला जो पॉइंट है वो हमारा आउटपुट पॉइंट है। वहाँ से हमारा जो गर्म पानी होता है वो निकलते हुए हमारा डायरेक्टली नल में आएगा। एक स्टीकर सामने में दिखता है जिसमें मॉडल सीरियल सारा डिटेल हमें देखने को मिल जाता है। ये कितना लीटर का है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इजीली टाइप का भी यहाँ पर देख करके समझ पाओगे। ये इंस्टोनियो प्राइम में बताना चाहूँगा आप लोगों को, जिसका लाइट बहुत ही मस्त रहता है। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर यहाँ पे नॉर्मली मेंशन किया हुआ है, जैसे 12,000 इसका कुछ प्राइस है, जो कि ऑनलाइन भी मिल जाए आपको, इजीली आप ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इसका डिज़ाइन है इंस्टोनियो प्राइम का, काफ़ी सुंदर लुक मुझे लगता है ये। इससे कंपनी ने डिज़ाइन बहुत बढ़िया बनाया है और अलग अलग कलर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग कहीं से भी इजीली परचेस कर सकते हो। यहाँ पे ये जो सॉकेट दिया है ये बहुत कमाल का सॉकेट है, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। सॉकेट मैंने बोल दिया, सॉरी प्लग, ये प्लग के इसमें रीसेट बटन है। रीसेट बटन बहुत ही कमाल का बटन है, जैसे कि होता ही है कि जब भी आप रीसेट बटन को प्रेस करोगे तो आपका ये ऑटोमेटिक रीसेट होकर के स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि पानी कभी आप खाली में इसको चला देते हो गीज़र को तो ये ट्रिप कर जाएगा, फिर रीसेट बटन को प्रेस करोगे तो फिर से ये चालू हो जाएगा। और इसमें लाइट का सिस्टम भी काफ़ी कमाल का है, एक ब्लू लाइट जलता है और एक रेड लाइट जलता है। ब्लू लाइट जब आपका हीट होगा तब जलेगा और ऑटो कट जब होगा तो आपका रेड लाइट जलेगा। सारा चीज़ में इंक्लूड आता है, पाइप वगैरह, फास्टनर वगैरह, सारा चीज़ अलग से कोई भी चीज़ आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा। ये इनपुट बल्ब है जो कि इनपुट में लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो रिटर्निंग पानी आपका आने लगता है। बाकी आपका पानी के प्रेशर को भी ये कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर फास्टनर हमें देखने को मिल जाता है, 2 टॉप पॉइंट भी मिलता है टी टाइप का, जिसको हम कनेक्ट करके पाइप को थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ का लुक देख सकते हैं काफ़ी कमाल का है। पाइप देख सकते हैं इजी तरीके से हमारा ये टाइट हो जाता है, कोई तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई तरह का स्लाइड रिंच वगैरह हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत ही हाथ से ही हमारा टाइट हो जाता है ये। और पाइप भी काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मुलायम पाइप है, हल्का पाइप है, ऐसा नहीं है कि चाहिए पाइप चपटा हो जाएगा। और लगने के बाद देख सकते हैं किस प्रकार से ये दिखेगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ब्लू लाइट हमारा इजली टाइप से जल चुका है और जब ऑटो कट होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये रेड में हो जाएगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं ये प्लग में भी एक लाइट जलेगा, पावर वाला लाइट। तो इस तरह से कुछ इंस्टॉलेशन होने के बाद दिखेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।